नमस्ते मित्रों, मेरा नाम आनंद राजाध्यक्ष है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आनंद आख्यान। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखकर वीडियो को लाइक कीजिए और विषय आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शेयर का बटन बस यहीं पर है, लाइक का बटन उसके बाजू में है, सब्सक्रिप्शन का भी बटन वहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपने जो थंबनेल देखा, अब मैं आपको कोई एक चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र आप सब जानते हैं, बचपन में हम सब ने ये गेम खेला होता है, कहीं पार्टी पर, कहीं पेपर पर, ठीक है, कहीं मिट्टी में भी, धूल में भी, ठीक है। अलग अलग नामों से अलग अलग संस्कृति में कहा जाता है। अंग्रेजी लोग टिक टॉक कहते हैं, मराठी में हमारे उसका फुली गोड़ा कहते हैं, हिंदी में मैंने सुना है कि उसको कट्टम काट या कट्टम कट्टी वगैरह ऐसे कुछ नाम बताए जाते हैं। होता क्या है उसमें, ये एक जो गोल है और ये एक क्रॉस है, ठीक है, तो दो खिलाड़ियों का होता है और दोनों को एक अपनी याद एक लाइन बनानी है, एक सीध में लाइन बनानी है। अब वो आड़ी हो, खड़ी हो, टेढ़ी हो, बीच में से हो, जैसे भी हो, एक सिंगल लाइन में आना चाहिए। यहाँ इस आदमी ने बना ली है, नहीं तो अक्सर क्या होता है कि खिलाड़ी जो है ना, वो अगर अपनी लाइन बना नहीं सकते तो प्रतिस्पर्धी को उसकी लाइन भी बनाने नहीं देते। और आज हमारे साथ इस भारत में, जिसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, ठीक है, हमारे साथ यही खेल खेला जाता है और बिल्कुल गंदे तरीके से खेला जाता है। कैसे, आपने थंबनेल में देखा, लेकिन यहाँ भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है कट्टम काट, ये ऑरेंज गोला जो है ये अपना हिंदू वाला है, ठीक है, गोल है, जीरो है, ये चांद तारा तो आप समझते ही है। और वहाँ क्या लिखा है, शरिया नो गो जोन, मतलब इधर नहीं, इधर आने का नहीं, ठीक है, अपनी अपन को पूछे बगैर, अपनी इजाज़त के बगैर इधर आने का नहीं, ये शरिया नो गो जोन है। अब ये कहाँ खेला जाता है, अपने साथ कब खेला जाता है, जब हम लोगों के त्यौहार होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे तो सीधा सीधा एक साइकोलॉजी है, हम सीधा मतलब साइकोलॉजी की बात करें तो सीधा समझ में आती है कि एक दबंगाई दिखानी है, कि लोगों को दबा के रखो, लोगों को लाचार महसूस करने दो, उनको बेसहारा, लाचार वगैरह वगैरह जो भी है महसूस करने दो, ताकि हम उनको अपनी ताकत दिखाए, वो हमारे सामने झुक जाए, हमारे सामने गिड़गिड़ाए। ये दबंग तो हमें एक संत तो दबंग आदमी को उससे एक संतोष मिलता है कि उसकी ताकत का पर्चा उसे मिल गया, ठीक है। लेकिन इसको जब आप ऐसे दबंगई को, ऐसे गुंडई को जब आप एक रिलीजियस कलर भी देते हैं, एक रिलीजियस परमिशन देते हैं, रिलीजियस सैंक्शन देते हैं, और ये बाकायदा है, मैं नंबर देता हूँ आयत का, आप पढ़ सकते हैं आप अगर सूरह 9 आयत नंबर 120, ये आप अगर गूगल करें तो आपको ये सूरह मिलेगी, जो आपकी भाषा है उस भाषा में आपको अनुवाद मिलेगा, जो कहता है कि जो भी मुसलमान काफिरों को दुख हो, ऐसा कोई काम करें कि उनके दिल को चरका लगाए, कई ट्रांसलेशंस में ये चरका शब्द है हिंदी में, या उनके दिलों को दर्द हो, ऐसा कोई काम करे, ऐसी कोई जगह पे कदम रखे, या उनसे कोई चीज़ छीने, या कोई कुछ ऐसा काम करे जिनसे काफिरों का दिल दुखे, ठीक है, तो अल्लाह उस मोमिन के नाम पे एक नेकी लिखता है, और अल्लाह किस मोमिन का कोई भी सत्कार्य व्यर्थ नहीं करता, ये गारंटी भी है, ठीक है। सूरह 9 आयत 120 देख लीजिए, कोई बात, कोई हर्ज नहीं। अभी के अभी मतलब वीडियो सब ख़त्म होते ही आप गूगल सर्च करिए, आयत देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये जो दुष्टता का भाव है लोगों के मन में होता है कि हम दूसरों पर दादागिरी करें और लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाए वगैरह, उसमें कई लोगों को अपने अहंकार को एक संतुष्टि मिलती है। तो इसको जब आप एक धार्मिक या एक रिलीजियस मान्यता देते हैं तो करेला नीम चढ़ा, सोने पे सुहागा नहीं कहूँगा, ये करेला नीम चढ़ा होता है, ठीक है। तो यही खेल हमारे साथ होता है, त्यौहार आ जाता है, जुलूस निकलता है, यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना, परंपरा है उसी रास्ते से शहर में अगर ये जुलूस जा रहा है तो अब नहीं जाना है, क्योंकि हमें तकलीफ होती है, क्यों, अभी हम ताकत है, हम दबंगई कर सकते हैं तो हम करेंगे, पथराव करेंगे, हमारी भावना आहत होती है, इतने साल नहीं अभी होती है,
ये है, या फिर कहीं रास्ते पे मस्जिद नहीं है तो मस्जिद उगाती है, कहीं पे आपको मज़ार उगाती है। अब मज़ार का एक बात है, तो नियम यह है कि अगर वाकई कोई संत है, सूफी है, तो वो उसकी उसका मठ होता है जिसको खानकाह कहते हैं, तो या तो वहाँ उसे दफनाते हैं, या मुसलमानों के कब्रगाह जो है, कब्रिस्तान जो है, वो पहले से डिमार्केटेड है, वहीं दफनाते हैं। कोई हिंदू के एरिया में कोई आकर ऐसे बीच रास्ते में खुद को गार्ड नहीं लेता, समझ लीजिए। अगर किसी को वाकई वहाँ मुर्दा है तो वो मर्डर है, वो केस लेनी चाहिए। मतलब किसी का मुर्दा दफना है तो ऐसे नहीं होता, वो शव जिहाद है फिर, ठीक। या फिर अगर कोई कुत्ते बिल्ली का ये गाड़ा है तो, या फिर ऐसे ही ईंटें दबाई है तो वो लैंड जिहाद है, उस पर मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन यहाँ बात ये है कि हमारे साथ ये इस तरह से जो एक गंदा खेल खेला जाता है, ये कट्टम कट्टी का जो बचकाना खेल जो है ना, जो बड़े होके ऐसे गंदे तरीके से खेला जाता है, मैं इसी बात पे आपसे संवाद करना चाहता था। कब तक हम ये सहन करेंगे? वो वसेपुर में भी था, इसका खून खोलने को कहता है वो फैजल को किसी हिंदू से नहीं कहता कब तेरा खून कब खोलेगा, हिंदू से नहीं कहता, वो मुझको मालूम है उसका खून खोलने वाला नहीं है। और ये फैजल भी जो है ना, उसके कोई पुरखे जो हैं जो मुसलमान बने उसके पहले हिंदू ही होंगे, वो DNA भले समान होगा, दीन बदल जाता है ना तो वो सब गड़बड़ हो जाती है अपने आप। तो वो बात है, लेकिन यहाँ क्या है? आप एक बात बताइए, ये लोग जो है ना चाइना में ऐसा नहीं करते, चाइनीज़ लोगों के भी फेस्टिवल होते हैं वहाँ भी, वो वीगर जहाँ सिंगयांग वगैरह वहाँ मस्जिदें होंगी, कोई पत्थर नहीं करता, समझ आती है ना बात? बस और क्या कहना है, इससे ज़्यादा कुछ कहने जाऊँ तो फिर मैं आपकी समझदारी पर बात छोड़ता हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है, मुझे बस यही बात कहनी थी कि ये कट्टम कट्टी का जो बचपन का खेल है, बड़ा होके कैसे खेला जाता है, ये खेल ये आपको समझना है कि हमारे साथ यही खेल होता है, खेल नहीं खिलवाड़ होती है, ठीक है, इसे समझना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है। वाणी को यहीं विराम देता हूँ, संघ के स्टाइल में कहा जाए नहीं तो अपनी बात यहाँ समेटता हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को, अगर आपको विषय अच्छा लगा हो, बात सही लगी हो, तो कृपया अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर का बटन इधर ही है, दबाओ, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक तो करेंगे ही आप, और सब्सक्राइब किया ना बस, तो और ज़्यादा कोई अपनी मांग नहीं है, सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल पे आते रहिए, नया नया वीडियो, नया नया कंटेंट जो और कहीं नहीं मिलता वो आपको यहाँ मिलेगा, उसका मैं आश्वासन देता हूँ, ठीक है। एक नया दृष्टिकोण तो मिलेगा, चीज़ें जो है वो घिसी पिटी बात नहीं मिलेगी, एक नया एंगल मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी ये मैंने समझा ही नहीं उसे, ये कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो आते रहिए, ठीक है, अपना ये चैनल जो है आनंद आख्यान, उस पर आप हमेशा आते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं मित्रों, और भारत में जब तक कह सकते हैं जय जय श्री राम, क्योंकि बांग्लादेश में राम का नाम लेना ही राम नाम सत्य कर देता है हिंदू का, क्या करें, यहाँ कह सकते तो करें, और इसे बनाए रखने के लिए भाई देखिए राम को रावण से लड़ना पड़ा था, और लड़ाई तो छूटती नहीं है, राक्षस तो है वो, केवल रावण ही राक्षस नहीं था, पुनर्जन्म में हम मानते हैं ना, ठीक है ना। चलिए मिलते रहेंगे।